सेकेंड इनिंग शुरू होने वाली है, दूसरी पारी शुरू होने वाली है। यस, तुषार जी उगले सर एज अ मेन अंपायर, फ्लिंटफ जी स्क्वेयर लेग अंपायर की भूमिका में, ऑल इज सेट, पूरा मामला रेडी। ऋषभ पीछा, पहले ओवर की पहली गेंद और स्ट्राइक पर होंगे जयेश बरे। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पहली गेंद और पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल। ऋषभ पीछा को पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। जयेश ऑन अ स्ट्राइक। बेहतरीन शॉट और बहुत अच्छी फील्डिंग विपुल पीछा की, शानदार फील्डिंग। फर्स्ट इनिंग्स मध्ये मितेश चोरडिया ने 3 बाउंड्रीज मारल्या, त्याच्यासाठी तुषार जी बोथरा कडून त्याला 500 रुपीज चा बक्षीस मिळते। ऋषभ पहली गेंद वाइड आने के बाद दो गेंदे डॉट, अच्छी गेंदबाजी ऋषभ की ओर से पहले ओवर में। ऑन साइड में खेल दिया गेंद को फाइन लेग की तरफ, 4 रनों के लिए जयेश बरे ने। पांच रन बने हैं पहले ओवर का खेल प्रगति पर। नेक्स्ट बॉल फॉर जयेश, लवली शॉट। जैसे ही गेंद बल्ले से निकली, जैसे उस पर छाप लगी हो चौके की, तेज रफ्तार से, गोली की रफ्तार से 4 रन मिले हैं। स्कोर पहुंच गया है 9 रनों पर। अब पहले ओवर का खेल जारी है, 2 गेंदे बाकी हैं इस ओवर की। ऋषभ अगली गेंद के साथ फिर एक बार जयेश बरे को। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम जयेश बरे। तेरह रन बन गए हैं अब। ऋषभ फुल टॉस, गुड फील्डिंग, गुड फील्डिंग फ्रॉम नीलेश बोथरा। एक ओवर के बाद स्कोर हो गया है 13 रन। पांच ओवर बाकी हैं, आने वाली 5 ओवर की 30 गेंदों से 80 रन बनाने हैं अब। गौरव पीछा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, भरत काले ऑन अ स्ट्राइक। दूसरे ओवर की पहली गेंद, बॉल चेतन पड़े रहे हैं नए बैट्समैन।
एक विकेट के नुकसान पर स्कोर है 13 रन। गौरव पिचा, नेक्स्ट बॉल फॉर चेतन। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट। रूम बना के खेला गया स्ट्रोक, बैकफुट पर गए और कोई चांस नहीं। शानदार शॉट, मिड ऑफ की तरफ खेला गया स्ट्रोक। गौरव टू चेतन, फुल टॉस, अनदर बाउंड्री। स्कोर हो गया 21 रन। नेक्स्ट बॉल फॉर चेतन पटेल। इस बार बल्ला पहले चला दिया, गेंद थोड़ी धीमी गति की गई गौरव द्वारा। 21 रन बने हैं। ग्लास किया, शानदार, कूल माइंड के साथ चेतन पटेल ने। ब्रिलियंट शॉट फ्रॉम चेतन पटेल। गैप ढूंढा, केवल कलाइयां मोड़ी और चौका अर्जित किया चेतन ने। शानदार बैटिंग। Lovely wedding from Chetan Pade. Let's get it started. क्या बल्लेबाजी की है चेतन ने। 5 गेंदे फेस की और 4 चौके लगाए चेतन ने। 4 ओवर आना बाकी है और 4 ओवर की 24 गेंदों से 16 रन प्रति ओवर के रन रेट से 64 रन बनाने हैं। 16 रन पर ओवर। मीटिंग चल रही है, सलाह मशवरा चल रहा है। फिर एक बार ऋषभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। जय शोंगे सामने। ऋषभ की गेंद, जयेश को ऑन साइड में, बहुत अच्छी फील्डिंग। एक ही रन मिला है, 30 रन बन गए हैं अब। 30 रन बन गए हैं अब। चेतन पढ़ेर होंगे स्ट्राइक पर। ऋषभ पिचा चेतन पटेल के लिए। ऑन साइड में खेला स्क्वायर लेग अंपायर के पास से 4 रन। तड़ी 4 रन, 34 रन बन गए हैं। क्या बैटिंग कर रहे हैं चेतन। ऑफ साइड में खेला गेंद को, अच्छी फील्डिंग भी पुल द्वारा। तीसरे ओवर का खेल जारी है। चेतन स्ट्राइक पर होंगे। ऋषभ की गेंद,
दिशा दिखाई और चौका अर्जित कर लिया गया। शानदार शॉट। हेलो हाँ जी बोलिए ना। ठीक हाँ जी। ऋषभ तैयार हैं अगली गेंद के साथ। ऑन साइड में खेलना चाहा गेंद को, डर ओ खराब थ्रो किया गया। फील्डिंग बहुत शानदार की थी विपुल ने। 39 रन स्कोर है। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। स्कोर है 39। जय स्ट्राइक पर हैं अब। ऋषभ की गेंद, अच्छा शॉट और बॉल, अच्छी फील्डिंग, शानदार फील्डिंग नीलेश बोथरा द्वारा। तीन ओवर के बाद स्कोर है 40 रन। अब जीतने के लिए आवश्यकता होगी 18 गेंदों में 53 रनों की। 18 गेंदे और 53 रन। तीन ओवर्स बाकी हैं। जयेश बरे इस समय स्ट्राइक पर हैं। 14 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय 8 गेंदों में जयेश। गौरव तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। गौरव पिता चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर। फील्ड कर ली गई गेंद कवर की दिशा में। फुल टॉस, सर्कल शॉट। एक नंबर शॉट, 4 रनों के लिए 44 रन स्कोर हो गया है। अब 49 रन अभी और बनाने हैं। 16 गेंदे बाकी हैं। अगली गेंद लेकर गौरव। जयेश बरे को मिस हो गए। ऋषभ, क्या तेज स्ट्रोक खेला था जयेश ने। गौरव पिता अगली गेंद के साथ। और इस बार विकेट की परमिश हो गए, विकेट की परमिश हो गए विपुल। बावन रन बन गए इस प्रकार से। अब 4 गेंदों से 3 चौके आ गए इस ओवर में। नो बॉल और चौका मिल जाएगा।
क्या शानदार बैटिंग कर रहे हैं जयेश बरे, व्हाट अ बैटिंग फ्रॉम जयेश। तेरह गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं इस समय जयेश, 57 रन बन गए हैं अब। अच्छा शॉट और बहुत अच्छी फील्डिंग मितेश चोरड़िया की, 58 रन बने हैं अब। लास्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर, स्कोर है 58 रन। गौरव पिज्जा, सामने होंगे चेतन पटेल। मिस हो गए चेतन, ओवर कंप्लीट हो जाएगा। दो ओवर का खेल बचा है, आने वाली दो ओवर की 12 गेंदों से 35 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अब क्या मुकाबला हो रहा है, क्या मैच खेला जा रहा है। और दर्शकगण से एक रिक्वेस्ट यह होगी कि जैसे ही मैच समाप्त होगा उसके बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाला है, बख्शीश वितरण समारंभ होगा, और वो बख्शीश वितरण समारंभ कुछ आगड़ा वेगड़ा होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, कुछ नया देखने को मिलेगा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी। उसका कारण है कि रायसेन भगर प्रीमियर लीग हो रहा है, हर वर्ष कुछ नया करते हैं, देखना है इस वर्ष नया क्या होता है। विपुल पीछा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए पांचवें ओवर में। अब सामने होंगे जयेश बरे, विपुल की गेंद बाहर निकल कर आए, खेला गेंद को, जयेश जब स्ट्रोक खेलते हैं उसमें गति इतनी तेज होती है, फुल फेस ऑफ द बैट, परफेक्ट टाइमिंग। वाइड लाइन बासठ रन बने हैं। विपुल पीसा अगली गेंद के साथ जयेश बरे के लिए, और ये नो बॉल, तिरसठ रन बन गए हैं अब। विपुल अगली गेंद के साथ जयेश बरे को, खेला गेंद को, चौका मिल जाएगा। सड़सठ रन स्कोर हो गया है। छब्बीस रनों की आवश्यकता है जीत के लिए अभी, और ये 26 रन बनाने हैं 10 गेंदों से। विपुल पीसा, गेंद होगी जयेश के लिए, जयेश बरे रोका है गेंद को, सेव किया गया, 68 रन बन गए हैं अब, 9 बॉल 25 रन, 9 गेंदे 25 रन। चेतन पटेल ऑन अ स्ट्राइक, विपुल की गेंद चेतन के लिए, बॉल, देखिए समय ऐसा है कि जो भी बैट्समैन आएगा उसे मारना ही है,
और मारना यानी रिस्क लेना, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। 8 गेंदे बाकी हैं, 25 रनों की आवश्यकता होगी जीत के लिए। अब अक्षय गायकवाड़ आए हैं नए बैट्समैन। विपुल 4 गेंदों में 10 रन दिए हैं अभी तक अपने इस ओवर में विपुल ने। विपुल पीछा सामने हैं अक्षय गायकवाड़। ड्राइव किया शानदार शॉट। सात गेंदे 21 रन आया है मैच अब। व्हाट अ मैच, फाइनल मुकाबला किसे कहा जाता है उसका उत्तम उदाहरण यहां पर इन दोनों टीमों ने दिखाया है। टफ फाइट। विपुल पीछा अक्षय के लिए गेंद और ये नो बॉल, और ये नो बॉल। सात बॉल 20 रन। विपुल पीछा अक्षय को खेला गेंद को अंतिम ओवर में 16 रनों की आवश्यकता है डेयर डेविल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। अब छह गेंदे 16 रन, देखते हैं क्या होता है। अब आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत राइस एंड बगर मिल एसोसिएशन घोटी की ओर से। चौथा सीजन RBPL का और चौथे सीजन का ये मेगा फाइनल, मेगा फाइनल, ये टफ फाइनल। सचिन खिमसरा जी को शायद गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। उधर भरत जी अपने बैट्समैन को टिप्स दे रहे हैं। देखते हैं सचिन खिवंसरा गेंदबाजी के मोर्चे पर। 6 गेंदे 16 रन और स्ट्राइक जयेश के पास है। पहली गेंद जयेश को ऑनसाइड में खेल दिया, जयेश ने चौका मिल गया है। पांच गेंदे 12 रन, 5 बॉल 12 रन आ गया है मैच अब। 93 रन का रन चेस है, 93 रन बनाने हैं, 81 रन बन गए हैं। 5.1 ओवर में स्कोर है 81। क्या काटे का मुकाबला खेला जा रहा है। नेक्स्ट बॉल ऑन साइड में खेलना चाहा, बीट हो गए जयेश। 4 बॉल 12 रन, व्हाट अ मैच। कमजोर दिल के लोग मैदान से बाहर चले जाएं। चार बॉल और 12 रन, कुछ भी हो सकता है, कायपन हो सकतो। सचिन खिवंसरा
कैश को सचिन खिवंसरा काम के मानुष बन गए हैं। अब तीन गेंदों में केवल एक चौका दिया है सचिन खिवंसरा ने अभी तक। सचिन कदम आए हैं नए बल्लेबाज। सचिन टू सचिन, तीन गेंदे 12 रन। खेला गेंद को और एक ही रन मिला है। दो गेंदे 11 रन आया है मैच अब। रिव्यू लेना चाहते हैं। अंपायर मौजूद हैं आकाश जी तीसरे अंपायर के रूप में। देखते हैं नो बॉल चेक किया जाएगा। आरबिल पीएल के नियमानुसार वो गेंद जो कमर से ज्यादा ऊंची फुल टॉस हो उसे नो बॉल घोषित किया जाता है। तीसरे अंपायर का फैसला आना बाकी है अभी। और रिव्यू लॉस कहा गया है अंपायर की ओर से। दो बॉल 11 रन आ गया है मैच अब। सचिन खिवंसरा, अक्षय गायकवाड़ के लिए गेंद और ये गेंद वाइड बॉल हो गई है। अब दो बॉल 10 रन आ गया है मैच। अब स्कोर है 83 रन। सचिन खिवंसरा, गेंद अक्षय को, खेला गेंद को और यहां पर रन आउट हो गए अक्षय। एक बॉल 10 रन आ गया है मैच अब। बैट्समैन है लोकेश। सचिन खिवंसरा, गेंद लोकेश को, खेला गेंद को और मुकाबला जीत लिया है चैंपियन से।
लागलेली औदासा साडेसाती नाट नष्टर पनवती विघ्न अप शकून लचांड लटामर पहिलं लपड पहिलं जंगत पाटी मग चलिए बख्शीश वितरण समारंभ होगा। मयूर स्वप्निल चेला ऋषभ बोरा मितेश नितिन जी चोड़िया मनीष सुनील जी पिचा and a very special thanks to his valuable contribution for success of RBPL season 4. शांता भाई इसके बाद हम सारे